हम हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक कोशा हैं कि लाहौर शहर को बेमिसाल तरीके से साफ़ सुथरा रखा जाए, जो ईद उल अज़हा का हमारा मजहबी त्यौहार आगे आने वाला है उस सिलसिले में। सबसे पहले इदारे में एक मोटिवेशन लाने के लिए ना सिर्फ जो हमारे सैनिटरी वर्कर जो फील्ड में काम करते हैं, जो अपने हाथों से वो काम करते हैं, उनके लिए हमने लंच अलाउंस जो है उसको अनाउंस किया है, बल्कि उनको एक ऑनरेरिया है जो कि 15 दिन की सैलरी के बराबर है वो भी दिया जाएगा। 5 जगहों पर आलाइशें डिस्पोज ऑफ करने के लिए साइंटिफिक तरीके से डंप साइट्स जो हैं वो तैयार की हैं। जो डंप साइट है उसमें तकरीबन 50,000 टन जो है आलाइशें डिस्पोज ऑफ करने की कैपेसिटी है। इसमें काबिल ज़िक्र लखो डेर हैं, महमूद बूटी है, सुंदर है, इस तरह हमारी 2 और साइट्स हैं जहाँ पर वो तमाम आलाइशें जो हैं ना वो उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। हमने तकरीबन 3400 जो पिकअप्स हैं वो एक्स्ट्रा हायर किए हैं ताकि ईद के दिन में जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है उसको हम टैकल कर सकें। इस वक्त जो लाहौर में 293 यूसीज़ हैं वहाँ पे हमने यूसी लेवल पर कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं जिसमें कि हमारा अमला 24 घंटे मौजूद होगा, और उसका मकसद ये है कि जो उधर आवाम के यूसी लेवल पे जो मसले हैं वो उसी लेवल पे डोर स्टेप पे हल किया जाए। बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो बैग्स हैं वो भी इन यूसी में जो हमारे कैंप्स हैं उधर भी रखवाए हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें हदायत हैं कि जितना मैक्सिमम वो उन्हें घर पे लोगों के डोर स्टेप पे डिलीवर कर सकें वो किए जाएँ। टोल फ्री हेल्पलाइन है 1139 जो कि 24 घंटे ऑपरेशनल होगी। उस सिलसिले में हमने एडिशनल ऑपरेटर्स को भी हायर किया है ताकि जब लोग ईद के दिनों में उस लाइन पर राबता करें तो लाइन बिजी ना जाए, फौरन अटेंड हो। हमारे दफ्तर में एक लाइव मीडिया वॉल है जिसमें के लम्हा ब लम्हा जो हमारी व्हीकल्स या स्टाफ वो शहर में जो उनकी मूवमेंट है वो वहाँ पर शो हो रही होती हैं। हमारी तमाम जो गाड़ियाँ उन पर GPS ट्रैकिंग सिस्टम है, और वो जो GPS ट्रैकिंग सिस्टम है वो कंट्रोल रूम में हमारे जो है वहाँ पर लाइव उसकी कवरेज हो रही होती है। जो अमला LWMC का उसकी छुट्टियाँ हमने कैंसिल की हैं, और वो जो सीनियर अफसरान हमने तैनात किए हैं ऑफिस बेस्ड जो हैं उनका मकसद ये है कि वो फील्ड में जाके ना सिर्फ सुपरवाइज़ करें बल्कि साथ साथ हेल्प आउट करें जो हमारी ऑपरेशनल टीम्स हैं। पोस्ट ईट अरेंजमेंट में हमारा क्लियरेंस ऑपरेशन है जिसमें कि अगर लेट से कहीं पे कोई चीज़ रह गई है, कमी बेशी रह गई है, स्कैटर्ड कोई चीज़ रह गई है, ऑफल्स रह गई हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने अपने कलेक्शन पॉइंट से बल्क में ऑफल्स उठा के डिस्पोज ऑफ करनी है, लेकिन कई दफ़ा होता यह है कि स्कैटर्ड रह जाती हैं कुछ चीज़ें, तो हम उसको क्लियरेंस करके बिल्कुल लाहौर शहर को आखिरी दिन जो है ना क्लियरेंस ऑपरेशन हमारा प्लान्ड है। हमारी कोशिश ये है कि हम ईद के तीनों दिन कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन के थ्रू जितना मैक्सिमम हम शहर को साफ रख सकें वो हम रखें। अपील होगी अवामुन्नास से, सिविल सोसाइटी से, हमारे सियासी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे, और खसूसी तौर पर मीडिया से कि वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और उनकी जो कंट्रैक्टर्स हैं अलबैरक ओस पाक उनके साथ तावुन करें, ये क्योंकि हमारा मुश्तरका कॉज है, ताकि हम इस शहर को साफ़ सुथरा रख सकें और एक हम मिसाल कायम करें जो माजी की नस्बत ज़्यादा बेहतर हो।